हेरू लुनार डकैती कांड के आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में एक को गोली लगी, एक पकड़ा गया। गुरसराय एरच रोड छिरोरा सुट्टा प्रतीक्षालय संपर्क मार्ग पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में खेरों ग्राम में पड़ी डकैती के दो बदमाश और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में दो बदमाश में से एक को गोली लगी, दूसरा गिरफ्तार हो गया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय भेजा गया। पुलिस एवं बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में जानकारी के अनुसार बदमाश मोटरसाइकिल से सवार होकर एरच की ओर जा रहा था। इसी बीच छिचोरा प्रतीक्षालय के पास चेकिंग के दौरान पुलिस को देख बदमाश भागने लगे। इसी बीच पुलिस एवं बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक नुनार निवासी अजय अहिरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा मझगुवा थाना राठ निवासी अर्जुन के पैर में गोली लगी, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। बदमाशों के पास बैग में लगभग 2 लाख रुपए सहित सामान बरामद हुआ। मुठभेड़ में SPRA CO गरोठा विवेक सिंह, रक्सा थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी, SOG प्रभारी KB सिंह, थाना अध्यक्ष गुरसराय ललितेश त्रिपाठी, एरच थाना अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय, अजय यादव, मऊरानीपुर इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह, मोहम्मद हारून सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरा मामला गुरसराय थाना अंतर्गत का है। पुलिस द्वारा मुठभेड़ किया गया, इसमें आपका क्या कहना है? ये आज गुरसरायपुर थाने के हरसिंगार तिराहे पे स्वाट टीम प्रभारी SHO गुरसराय, SHO मऊरानी, SO रक्षा द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उच्च अधिकारियों द्वारा जो गुरसराय में डकैती हुई थी, उसी के संदर्भ में पुलिस को सूचना मिली थी। तो यहाँ चेकिंग लगी हुई थी, तो एक मोटरसाइकिल पे दो सवार व्यक्ति आ रहे थे, तो पीछे पुलिस को देखकर पीछे वाले लड़के ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस ने उसको लड़कारा, चेतावनी दी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। पुलिस ने दौड़ाया तो वो मोड़ के भागने का प्रयास किया, तो मोटरसाइकिल गिर गई, लेकिन गोलीबारी लगातार उसके द्वारा जारी रही, जिससे पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी।